वो है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर के अकॉर्डिंग अगर आप बात करें सो एक्चुअल में है क्या, जो आप इलेक्ट्रिक करंट कंज्यूम करते हैं जितने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए करते हैं वो आपकी इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है, राइट। द रेट ऑफ एट विच द इलेक्ट्रिक करंट इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो जब हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं तो हम सिंपल ये करते हैं कि हम कितना वर्क डन करवा रहे हैं बाय द चार्ज टू फ्लो थ्रू द कंडक्टर्स, ठीक है, हमारे जितने भी अप्लाइंसेस हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम वही पहले जो हमने ड्राइव की थी W इज इक्वल टू वी आई टी विच इज़ अ वर्क डन, इसी का यूज़ करेंगे हम, राइट। इसको यूज़ करते हुए हम पावर डिफाइन करेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी एंड पावर की जो फॉर्मूला होता है दैट इज P इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे, राइट। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, राइट। सेकेंड में आप जब पुट करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा पावर का, पावर इज इक्वल टू वी आई टी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल हो गया, सो पावर की आपके पास फॉर्मूला जो बना वी आई, राइट। और एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, एसआई यूनिट क्या होती है पावर की, दैट इज वॉट। तो क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि 1 वॉट को डिफाइन कीजिए। सो 1 वॉट को कैसे डिफाइन किया जाएगा, सिंपल सा है, जब सर्किट में 1 एम्पेयर का करंट फ्लो करने लगे अगेंस्ट ऑफ 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस देन इट इज सेड टू बी अ 1 वॉट पावर, राइट। सो व्हेन 1 एम्पेयर करंट फ्लोस थ्रू अ कंडक्टर अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट देन द पावर इज 1 वॉट, राइट। इसके बिहाफ पे आपके पास काफ़ी न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं, डेरिवेशंस पूछ ली जाती हैं, बोर्ड में काफ़ी क्वेश्चंस पढ़ते हैं इससे रिगार्डिंग। सो प्लीज़ मैं ये कहूँगा 12th एज वेल एज 10th दोनों स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें फॉर न्यूमेरिकल पर्पज़ एज वेल एज फॉर द डेरिवेशन। और हमने अपनी वेबसाइट में काफ़ी न्यूमेरिकल्स एज वेल एज कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाल रखे हैं जिसको आप PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। उन PDF को डाउनलोड करने के बाद आप प्रिंट आउट लेके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है यू कैन आस्क फ्रीली